बेमित्रा से है जहां कलेक्टर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को कई कमियां नजर आई। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय में स्थित जिला अस्पताल को लेकर पिछले दिनों किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में आम लोगों के साथ कलेक्टोरेट पहुंचकर शिकायत की गई थी। वहीं जिला अस्पताल की लगातार मिल रही शिकायत के बाद बेमित्रा के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने जिले के आला अधिकारियों के साथ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और अव्यवस्था को देखा। वहीं जिला अस्पताल में कई खामियां मिलने पर कलेक्टर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रहा है इसके पहले भी इनके लोग के खिलाफ आरोप लगा था, फिर भी हम लोग बोले चलो अभी इन लोग को मौका दिया गया तो इन लोग कुछ दिन का समय मांगे थे कि इसमें बहुत जल्द सुधार किया जाएगा। कभी पीने की पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं है, कभी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कभी मरीजों का छोटे छोटे जो मरीज है जिनको कुछ चोट लग जा रहा है, पट्टी मलहम है, वो बाहर से दवाइयाँ मंगाई जा रही है, दवाई होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है। ये आकस्मिक ही था और इसके पहले मैं चूंकि हॉस्पिटल में आया नहीं था तो बस हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पे पहुंचा हुआ हूँ। यही है, व्यवस्था बेहतर करने की ज़रूरत है और कई जगहों को हमने देखा है। सिविल सर्जन, सीएमएचओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी साथ में जो अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हैं सब हम लोगों ने डिस्कशंस किए हैं।